सारे लोगों को जिनका भाग्य बहुत अच्छा होता है कहते हैं उनको गुरु की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कृष्णम बंधु जगत गुरु की अवधारणा से हम भगवान को ही गुरु माने, कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी को बना ले गुरु, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो अगर सर्वेश्वर तक पहुंचना है तो गुरु ऐसा है कि हमने गुरु के नाम पर उसको चुना जो ईश्वर के समान हमारे लिए दुर्लभ हो गया, तो मार्गदर्शन कौन देगा? ध्यान गया या नहीं? क्या किसी ने आजकल रामकृष्ण परमहंस जी को मान लिया गुरु? जैसे उसके लिए ईश्वर दुर्लभ, उसके लिए उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस दुर्लभ। किसी ने नारद जी को गुरु मान लिया, एक बहुत विचित्र बात है। कोई व्यक्ति अपने को योग्य शिष्य मानता है, लेकिन वो सोचता है हमको मार्गदर्शन वाला देने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं है, अहंकार हुआ या नहीं? गुरु तो उसको कहते हैं ना जो सामने शिक्षा दे सके, जिसके पास बैठकर सीख सके। मैं एक उदाहरण देता हूँ, भगवान ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी थे। भगवान ऋषभ देव जी भगवान के ज्ञानांश के अवतार थे, ज्ञानावतार थे, लेकिन इतने तेजस्वी भरत जी थे, इस ढंग से शासन किया कि उनके नाम पर इस देश का नाम अजनावर्ष था, वो भारतवर्ष हो गया। अंत में राज्यश्री अपने उत्तराधिकारियों को देखकर तप करने आ गए। मृग के बच्चे में प्रीति हुई, मृग के बच्चे का लालन पालन किया। अब वहाँ कोई गुरु बैठा होता तो कहता, घर के नाती पोते बेटे को छोड़ के आए हो, कहीं मृग का बच्चा ही तुमको डुबा ना दे। वहाँ गुरु टोकने वाला नहीं था ना, इसीलिए प्रारब्ध पति दुर्दैव के दुर्विपाक से उनको कालांतर मृग शरीर बनना पड़ा, धारण करना पड़ा। तो यह अहंकार की पराकाष्ठा है, इसीलिए श्रुति ने क्या कहा, मुमुक्षुर वै शरण हम प्रपद्ये। मैं एक संकेत करता हूँ, तद तन्ने जति तद दूरे तदवंति के ईशावास्योपनिषद। इस श्रुति के आधार पर रासलीला को अभिव्यक्त करने वाले श्री कृष्णचंद्र का अवतार होता है। मुमुक्षुर वै शरण महम प्रपद्ये, इस श्रुति को सार्थक चरितार्थ करने के लिए दत्तात्रेय जी का अवतार है। और इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निधे पदम त्रेधा, इस श्रुति को सार्थक करने के लिए किनका? भगवान वामन का अवतार है। तो एक एक श्रुति की सार्थकता के लिए भगवान का एक एक अवतार होता है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है मुमुक्षुर वै शरण महम प्रपद्ये, मुमुक्षु के जो शरण्य हैं परमात्मा, उनके प्रति में समर्पित हूँ। ऐसा भाव होता है तो भगवान किसी न किसी सिद्ध महापुरुष जो उसको मार्गदर्शन दे सकें उसके रूप में प्रकट होते हैं, या वहाँ तक पहुँचा देते या उसको वहाँ ला देते। दो प्रक्रिया है। पद्मपादाचार्य जी स्वयं काशी में शंकराचार्य महाभाग के पास पहुँच गए। मंडन मिश्र आदि को ढूंढने के लिए शंकराचार्य को स्वयं उद्योग करना पड़ा। विश्वामित्र जी स्वयं अयोध्या पहुँच गए रामभद्र के पास, और जो ऋषि थे दंडक वन आदि में उन तक भगवान राम गए। दोनों विधा है, सिद्ध महात्मा सामने आ जाते हैं या सिद्ध महात्मा तक पहुँचने का बानक बन जाता है। अगर योग्य गुरु न मिल रहे हों तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान कृपा से योग्य गुरु बन जाएंगे, मिल जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि हमारे अमुक गुरु हैं, नारद जी गुरु हैं, तो कोई गुरु हैं, जितना हमारे लिए इष्ट दुर्लभ हो गए उतना गुरु भी दुर्लभ हो गए, इससे तो काम बनेगा नहीं।